फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द चैनल। आज एक खास रेसिपी आप सबके सामने ला रहा हूँ और ये खास रेसिपी आप घर पे बना सकते हैं इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आपके घर के आसपास जो इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे सिखाने वाला हूँ। एक पर्शियन पुलाव, एक ईरानी पुलाव जिसका नाम है जाफरानी पुलाव। जाफरान मीन सैफरन और पर्शिया से आया है, ईरान से आया है, इसलिए जाफरानी पुलाव मीठा होने वाला है। केसर की मिठास के साथ, केसर की खुशबू के साथ, इलायची, मेवा, किशमिश, बादाम, काजू आप इसमें भर भर के डालिए और इंजॉय कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या सामान लगना है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया है बासमती चावल। ये रहा बासमती चावल, तो आधा किलो बासमती चावल हमने सोख करके रख लिया है और हमने आधा लीटर दूध ले लिया है। दूध में बनने वाला है ये पुलाव। और ये है हमारे पास बादाम और किशमिश, ये है हमारे पास क्रीम, अमूल क्रीम, फ्रेश क्रीम, और ये है हमारे पास शुगर और दालचीनी, जायफल, ये जायफल रहा, काली मिर्च और हरी इलायची के बीज। ये हरी इलायची के बीज हमने निकाल लिए हैं, ये हरी इलायची के बीज और ये काली मोटी इलायची, लौंग, कसूरी मेथी, व्हाइट पेपर पाउडर, सफेद मिर्च का पाउडर, और ले लिया है जीरा, और ये रहा मिठास के लिए खोया, और ये रहा केसर। केसर को दूध में मिला दिया है, 2 चम्मच दूध में मिला दिया है हमने। और साथ में ये रहा ब्राउन ओनियन, ये ओनियन को स्लाइस करके हमने डीप फ्राई कर लिया है तो ब्राउन ओनियन बन गया। और बनने वाला है ये शुद्ध देसी घी में, ये रहा शुद्ध देसी घी, तो 100 ml शुद्ध देसी घी ले लिया हमने, इसमें बनाने वाले हैं। और खुशबू के लिए डालेंगे ये केवड़ा एसेंस, ये केवड़ा एसेंस है मेरे पास। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए बनाते हैं केसरी पुलाव या जाफरानी पुलाव। तो सबसे पहले 100 ml देसी घी ले लिया, ये मैंने एल्युमिनियम के पॉट में 100 ml देसी घी डाल दिया आपके सामने, ये देखिए ये 100 ml देसी घी चला गया। अब 100 ml देसी घी डालने के बाद इसमें डालेंगे ये रहा दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग, ये रही कुछ लौंग और काली मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च डाल रहा हूँ, ये देखिए काली मिर्च डाल दिया। और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ये गया जीरा, और जीरे के बाद हम डालेंगे ये अपना राइस, ये बासमती राइस जो सोख करके रखा था ये डाल दिया, ये देखिए ये डाल दिया हमने राइस। और राइस को डालने के बाद हल्के हाथों से हिलाएं, हल्के हाथों से हिलाएं, मिक्स करें सारे सामान को। और उसके बाद डालें ये दूध, ये आधा लीटर दूध दिया, ये देखिए। तो दूध में बनने वाला है ये जाफरानी पुलाव और बेहतरीन खुशबू के साथ रंगत आने वाली है केसर की। और ये जो केसर हमने घोल के रखा है ये आपको बता दें, ये बाद में डालेंगे, पुलाव बनने के बाद डालेंगे इसको, अभी इसको आप संभाल के रख लीजिए। दूध में 2 चम्मच दूध में मिलाया है 1 ग्राम केसर। और साथ में हम अब डालेंगे इसमें थोड़ा व्हाइट पेपर पाउडर, ये गया व्हाइट पेपर पाउडर, और सॉल्ट डालेंगे, ये रहा सॉल्ट, नमक तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, और 2 चम्मच डालिए चीनी, ये देखिए डालिए चीनी। तो मीठा बनने वाला है जाफरानी पुलाव, में डाल दी हमने चीनी। और मोटी इलायची है मेरे पास, ये मोटी इलायची के बीज निकाल लेंगे हम लोग और बीज डालेंगे इसके, ये देखिए मैंने बीज निकाल के रखे हुए हैं, तो ये बीज जो निकाल के रखे हुए हैं मोटी इलायची के, ये डाल रहा हूँ इसमें, इससे बेहतरीन जायका और खुशबू आने वाली है। ये मोटी इलायची के बीज डाल दिए मैंने। अब इसको पकने देते हैं तकरीबन 10 मिनट तक ढक के, और उसके बाद बताते हैं आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आपको चावल दिखाते हैं कैसा हो गया। ये चावल पक गया है, और इतना ही पकने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं ये खोया, ये गया खोया, और साथ में देखिए क्रीम, अमूल क्रीम डाल दी हमने, ये देखिए अमूल क्रीम डाल दी। और इसके साथ ही हम डाल देंगे ये हमारा किशमिश और बादाम, किशमिश और बादाम, और साथ में हम डाल देंगे ये रहा हमारा केसर, जाफरानी पुलाव का केसर। तो इससे देखिए कितना सुनहरा येलो कलर आ रहा है इसमें, वो सुनहरा येलो कलर आएगा और खुशबू भी आएगी। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट और पकने देते हैं और फिर आपको प्रेजेंट करके दिखाते हैं कैसा नजर आता है। तो देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद रेडी है हमारा जाफरानी पुलाव, और इसमें हम डाल रहे हैं केवड़ा एसेंस, ये केवड़ा जल डाल दिया थोड़ा सा मैंने, और केवड़ा जल डालने के बाद ये ब्राउन किए हुए अनियन डाल रहे हैं थोड़े से, ये देखिए दिखाइए, तो इस तरीके से नजर आएगा। और अब इसको फाइनली प्रेजेंट करके दिखाएंगे आपको प्लेट में कैसे आपको पेश करना है। तो देखिए ये फाइनली प्रेजेंट कर रहे हैं हम अपना जाफरानी पुलाव,
ये ऊपर से डाला हमने फ्राइड अनियन और केवड़ा डाल चुके हैं, बहुत अच्छी बेहतरीन खुशबू आ रही है। तो ये रहा आपके सामने जाफरानी पुलाव, खुद भी खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए, एंजॉय करिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।